यहाँ पर पानी समंदर का ऊपर तक आया है, 3-4 फ्लोर तक आया है। उसने शीशे वगैरह तोड़ दिए। समंदर तो नहीं, खैर मुझे दरिया लग रहा है, क्योंकि समंदर बहुत जोश में होता है। ऐसे टाइम पे जब तूफान आना हो या कोई इस टाइप की चीज़ आनी होती है तो समंदर बहुत जोश में होता है, चढ़ावा होता है। तो तूफान जो है इसलिए डरता है, वो यहाँ से खौफ खाता है यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ के छपाटर लौंडे जो है ना वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाहर आ रहा है, कराची डूब जाएगा। समंदर रोड पे आ गया है, थोड़ी देर में आबादियों में दाखिल होने वाला है। पानी उछल के बाहर आ गया समंदर से। आप पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर यही चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीपीओ के ऊपर, और यहाँ पर अभी जो मैंने मनाजिर देखे हैं, है समंदर में जोश है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कह सकते अब तूफान आ गया है कि समंदर बाहर आ जाएगा, उछल के लोग मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ समंदर, जहाँ पर इस वक्त पानी जोश में तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो उछल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो अभी आपको एक शॉट दिखा रहा हूँ। नॉर्मली जो पानी होता है आज भी वैसा ही है, ये देखिए आज भी नॉर्मल ही पानी है, इस तरह होता है, नॉर्मली पानी ही चल रहा है, लेकिन बस समंदर के अंदर थोड़ा जोश ज़्यादा है, मतलब लहरें जो है वो थोड़ा जोश के अंदर है। वरना आप देखें, अगर आप लोग यहाँ आके बैठे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वैसे ज़्यादातर लोग गर्लफ्रेंड के साथ ही आते हैं इस जगह पे आके बैठते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा आते हैं। तो आप देखें यहाँ आके अगर आप लोग बैठते हैं तो ये पानी यहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा उछल के सिर्फ यहाँ तक बाहर तक आ जाता है। अब यहाँ पर अभी भी वही सूरत हाल है। तो अभी मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, खैर अब मैं जा रहा हूँ तो दरिया की तरफ, और वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं सीपीओ की तरफ। नहीं सीवे नहीं, पहले दो दरिया जाएंगे, वहाँ कुछ मछेरे वगैरह भी बैठे होते हैं, उनसे भी बात करेंगे, मछेरे देखते हैं कि नहीं है, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज हुई हुई है, समंदर की तरफ आना अलाउ नहीं है, दफ़ा 144 नाफिज हुई हुई है। तो अभी चलते हैं, खैर वहाँ देखते हैं दो दरिया की तरफ कि वहाँ क्या सूरत हाल है, और वहाँ मछेरों से भी बात करेंगे, और पीछे सीवी है वहाँ उस साइड पर भी जाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। वहाँ तो खैर मैं देख के आया हूँ, वो जो वीडियोज़ में भी दिखाया जा रहा है ना कि रोड के ऊपर पानी आ गया है, गाड़ियों के ऊपर लग रहा है कि वो पता नहीं कौन से किस साल की है, निकाल के इन लोगों ने लोड करना शुरू कर दी है। पुरानी वीडियोज़ हैं, इस साल की नहीं है, क्योंकि इस साल की सूरत हाल मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले दो दरिया जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं इस साइड पर जाऊँगा। तो मैं मौजूद हूँ इमार टावर के अंदर, जहाँ आपको व्हाट्सअप के ऊपर वीडियो वगैरह दिखी होंगी कि यहाँ के शीशे टूट गए हैं, पानी समंदर आ गया है, इधर से छलांग मार के अंदर की तरफ आ गया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल या पता नहीं ना जाने कितने साल पुरानी है। तो इस वक्त ये समंदर की सूरत हाल यहाँ पर ये है। कहा जा रहा है कि कराची के अंदर तूफ़ान आ रहा है, समंदर उछल के बाहर आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान के खतरात हैं, इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह भी चल रही हैं। बेसिकली वो ये काम वो लोग कर रहे हैं जो अभी फेक यूट्यूबर, मैं फेक उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपनी वीडियोज़ चलाने के लिए, व्यूज़ लाने के चक्कर में वो इस तरह के काम करते हैं। सर एक बात और मैं आपको बताऊँ, अगर कराची में तूफ़ान आए, तूफ़ान ऐसा खतरा तो है नहीं, लेकिन अगर तूफ़ान आना भी चाहे तो वो शर्माता है यहाँ पे। तूफ़ान पहले तो नाम है डर का और खौफ का, लेकिन हमारे कराची के छपाटर लौंडों को अगर मालूम हो जाए कि तूफ़ान आने वाला है तो ये उसका डर वर तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, ये उसको देखने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे समंदर पे कि हम तूफ़ान देखेंगे, तूफ़ान कैसा होता है। अच्छा छपाटर लौंडों की एक बात और आपको बताऊँ, ये किसी से नहीं डरते, ये ना अपने माँ से डरते हैं ना अपने बाप से डरते हैं। ये लोग बोलते भी हैं मैं तो अपने बाप से भी नहीं डरता। अब मैं आपको बताता हूँ ये डरते किससे हैं। ये 2 लोगों से डरते हैं, एक रेंजर्स या फ़ौज, रेंजर्स या फ़ौज जहाँ पे खड़ी भी इनको नज़र आ गई ये वहाँ से कट लेंगे, वहाँ आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा अहम है, दूसरा है इनकी जानू, की जानू से बड़ी फटती है। जानू ने अगर कह दिया ना कि भाई तुमने ये काम नहीं करना तो किसी का बाप भी करवा के दिखा दे वो, ये बढ़िया था गुरु। खैर ये बात कहीं और निकल गई। अब हम चलते दोबारा समंदर की तरफ, क्योंकि समंदर का व्लॉग चल रहा है, क्योंकि ये तो रूटीन वाला पानी है, इससे ज़्यादा पानी यहाँ से बाहर आता भी नहीं है। हाँ खुदा ना खासा तूफ़ान का खतरा होना, तो वो तूफ़ान तो खैर अभी महकमा मौसम ने कोई बताया नहीं, ना इस तरह की कोई चीज़ है कराची के अंदर, और अगर होगा अभी तो खुदा ना खासा अगर छपाटर लौंडों को मालूम हो गया ना तो सारे के सारे पहुँच जाएंगे इधर। जैसे इमार टावर है ना, है दोबारा बताना, अब मार के इमार। अच्छा मैं इस शख्स को लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये शख्स मुझे बार बार मना कर रहा है, ये मुझे हर बार मना करता है कि मुझे वीडियो में नहीं लेना, क्योंकि है कुछ मसले मसाइल हैं जैसा कि मेरे साथ होते हैं बातोकात, कि मैं कहीं काम से निकला हुआ हूँ, ऑफ़िस के ऑफ़िस गया नहीं हूँ, किसी और काम से व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए निकला हुआ हूँ, और वहाँ ऑफिस में बोल दिया कि तबीयत ख़राब है या बीमार हुआ हूँ, लेकिन वो वीडियो देख लेते हैं, फिर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं भाई हाँ बड़े बीमार चल रहे हो, वहाँ घूम रहे थे हमने देखा वीडियो के अंदर। तो इस तरह के सीन इनके साथ भी हैं। आगे कितने 6 बजे रहे ना, नहीं यार 7 बजे का टाइम है, इस वक्त 7 बजे का टाइम है और हम लोग यहाँ टावर के अंदर मौजूद है। तो खैर व्हाट्सअप के ऊपर जो वीडियो वगैरह चल रही थी उसके हिसाब से उसके लिए व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। एनीवे यहाँ बहुत आज शोर होने वाला है क्योंकि जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, लाइट चली गई, यहाँ पे भी लाइट जाती है इधर भी लाइट जाती है, जनरेटर चल रहा है पीछे, देख लो। अपने एरिया में रो रहे होते हो कि लाइट चली गई, कमबख्त हैं, यूँ हैं, हुए हैं, अमीरों की नहीं बंद करते, गरीबों की बंद कर देते हैं। देखो यहाँ की भी लाइट चली गई है। यानी आप जा रहे हैं दो दरिया की तरफ और वहाँ के अब आपको शॉर्ट दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। इस वक्त पहुँचा हूँ मैं दो दरिया पर और यहाँ आके तो मंजर ही अलग है। कह रहा है समंदर चढ़ा हुआ है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं दरिया पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल शांत है समंदर। अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ समंदर की क्या पोजीशन है। आपने अभी सीवे देखा, मार टावर देखा, अब आपको ये जगह दिखाता हूँ मैं, दो दरिया। ये देखो, ये है दो दरिया। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद दरिया पर आ गया हूँ, समंदर पर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ का समंदर बिल्कुल शांत है। आपने सीवे वाली साइड का मंदिर देखा था और दूसरी जगह जो मैं आपको दिखाया अभी वो अलग थे, मतलब वहाँ समंदर जोश में था और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांति है, कोई दरिया वगैरह पे आ गया हूँ मैं। तो वो लोग कौन है पता नहीं, कहाँ से वीडियो निकाल रहे हैं और कहाँ से निकाल के फेंक रहे हैं कि भाई यहाँ पर तूफान आने वाला कराची के अंदर और सब डूब जाएंगे, पानी बाहर आ गया समंदर का। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ओके है, सब नॉर्मल है। यहाँ पर डूबना और समंदर बाहर आना तो बहुत दूर की बात। यहाँ पर शिकारी आए हुए हैं और शिकार कर रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त यहाँ शिकार चल रहा है। ये काटा गया, देखो अंदर, ये 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 अंदर गया। कितनी पकड़ी है? तीन चार पकड़ी है। अच्छा, ज़्यादा माल ज़्यादा आ रहा है, कम है? अभी कम ही आ रहा है माल। बड़े दूर तक यहाँ पर शिकार ही शिकार है और शिकारी ही शिकारी है। मोबाइल खो गया इधर। अच्छा, मैं जूम करके निकालूँ उसको फिर बाहर। कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे को मिल जाए, हम अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे हैं पर वो मिल रहा है। किसका गिरा है? भाई का मोबाइल गिर गया यार, दुआ करें आप लोग, दुआ कीजिएगा मिल जाए भाई का मोबाइल। उनके चेहरे से भी लग रहा है कि हाँ इनका मोबाइल गिरा है। अच्छा, फिर इनने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ? अच्छा, साफ है, लगा मोबाइल इनका है, उनका नहीं है। चलो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ मोबाइल गिर चुका है भाई का, आप देखें, दुआ कीजिएगा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएगा क्योंकि नीचे पानी बहुत तेज़ चल रहा है। यहाँ पर ये एक ही लहर में चला गया होगा आपको। हाँ, लाइव नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड है और एडिट होगी फिल्म। प्रोफेसर इसरार खान, हाँ याद आया, प्रोफेसर इसरार खान से याद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोलता नहीं हूँ, भूल जाता हूँ हर बार ये बोलना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग भी बोलते हैं लाइक करो भाई, लाइक करो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप लोग भी लाइक करेंगे, आपको ज़्यादा लाइक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर शिकार इस वक्त चल रहा है और जो कह रहे थे कि समंदर बहुत जोश के अंदर है, समंदर बहुत बाहर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाकायदा शिकारी आए हुए शिकार करने के लिए। समंदर की सूरत हाल आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी, ये समंदर की सूरत हाल है। समंदर तो नहीं, खैर मुझे दरिया लग रहा है क्योंकि समंदर बहुत जोश में होता है। ऐसे टाइम पर जब तूफान आना हो या कोई इस टाइप की चीज़ आनी होती है तो समंदर बहुत जोश में होता है, चढ़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत ही शांत है। तो ये थी यहाँ की सीवियों की और दो दरिया की ये सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है पूरी। अब खुदा के वास्ते वो चीज़ें सर्च करना छोड़ दो कि तूफ़ान आने वाला है कराची में, वेदर क्या चल रहा है, बारिश कब होने वाली है, ये चीज़ें सर्च करना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। यानी आप लोगों ने सूरत हाल इस वक्त देख ली है पूरी कि यहाँ पर पानी कितना है, बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोडों पर है कि नहीं है, सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो अब इस ब्लॉग को यही करता हूँ एंड इंशाल्लाह एक और ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।